पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद बीजेपी की चौतरफा आलोचना हो रही है। न केवल इस हार पर विरोधी चुटकियां ले रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी के नेता ही पार्टी नेतृत्व पर उंगली उठाने से चूक नहीं रहे। मसल पावर, मनी पावर, सूट बूट की सरकार और ये जो आपका ईवीएम मशीन, ये सारे काम आए हैं, वो बड़ी मुश्किल से रिजल्ट घोषित हुआ है तीनों प्रदेश का, बड़ी मुश्किल से। इसके पीछे के चाल या जाल लोग अच्छी तरह समझ गए हैं और ये जब चलेगी नहीं, ठीक ही किसी ने कहा कि सो ये पब्लिक है, सब जानती है। अब सब जान रहे हैं कि आप तिलमिलाए लोग हैं, घबराए लोग हैं, बौखलाए लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड डेस्परेट लोग हैं। कहाँ गए हमारे अपने जो प्रवक्ता थे, अधिवक्ता थे, वक्ता थे, कहाँ हैं? दिखाई तो पड़ नहीं रहे कोई। एक साल के अंदर में अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा एक साल पहले हुई, एक साल के अंदर में अगर ऐसा रिजल्ट आया है, जबरदस्त क्रांतिकारी रिजल्ट आया है कि सारी दुनिया जो बात कर रही है, तो आप उस ऐसे आदमी को सलाम करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो हमारे बिहार यूपी में एक अच्छी कहावत है, भले पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को, गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान को। आप लोग कल बहुत कहते रहे कि पप्पू हैं और ये है, वो करके दिखा दिया। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि पप्पू कौन है और फैंकू कौन है। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस ने शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भले ही बीजेपी के अंदर मंथन शुरू हो गया हो, लेकिन उसे अपनी ही पार्टी में विरोध के स्वरों को भी इन दिनों झेलना पड़ रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।